हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा। ऐसा कोई रोग नहीं है जो आयुर्वेद और डाइट की मदद से ठीक ना किया जा सके, और इसी का जीता जागता सबूत है हमारे यहाँ आए हुए पेशेंट्स। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से यहाँ लाइलाज बीमारियों को लेकर आए हैं और अपना इलाज आयुर्वेद और डाइट की मदद से कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत से नए लोग हैं, तो चलिए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कैसे इन्होंने अपनी जर्नी आयुर्वेदा के साथ शुरू की, क्या रूटीन है इनका और क्या रिजल्ट्स इनको मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमैया। कहाँ से आए हैं मैम? जी यूपी। यूपी? यूपी से आए हैं। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको मैम? ये है पेशेंट। अच्छा, आप कौन है इनकी? मैं इनकी जेठानी हूँ। ओके, आप दोनों साथ में आए? हाँ जी। तो क्या प्रॉब्लम है मैम? मुझे पीटीपी की प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स की। अच्छा जी। बस अभी 4-5 महीने से। 4-5 महीने से तो आज यहाँ पहली बार? नहीं, सेकंड जी। ओके, प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? ये मुझे 2-3 महीने से पता चला था कि मुझे ना नील नील से पड़ रहे थे मेरे चकदे से गोल गोल, तो उस वजह से हमारे यहाँ पे कोई पेशेंट था पहले, तो उनका इलाज यहीं से चला था। हमें तब बताया था कि प्लांट आयुर्वेदा चंडीगढ़ से जाओ, तो तब आए हम। अच्छा जी। तो आप तो पिछले महीने आए थे दवाई लेने? जी जी। तो क्या सिम्टम्स आ रहे थे आपको? ये नील पड़ रहे थे और इसके अलावा भी कुछ? हाँ, बस कमजोरी, पैरों में दर्द। ठीक है जी। तो अभी 1 महीना हो गया आपको दवाई? जी जी। अभी कितना फर्क आपको महसूस हो रहा है? 50% तो है 50% 1 महीने में जी। चलिए मैम, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आप मिलेंगे डॉक्टर साहब से? हाँ। और डॉक्टर साहब ने डाइट भी आपको? हाँ जी जी, तो बढ़िया फॉलो कर रहे हैं जी? अच्छे से? जी जी, बढ़िया। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? आर के सिन्हा। सर कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। लुधियाना से। क्या, कैसे आना हुआ, क्यों आप प्लैनेट आयुर्वेद आपको विजिट करना पड़ा? बस इनकी लीवर डैमेज है। अच्छा जी, कब से? ये करीब करीब साल हो गया। ओके ओके। तो अब काफी फायदा है। तो यहाँ कब से आ रहे हैं सर आप? यहाँ 6 महीने के आसपास। अच्छा, क्या पहले क्या कंडीशन थी मैम की यहाँ आने पहले? पहले 80% से ऊपर डैमेज हो चुका था। ओह माय गॉड। ओके। अब जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, काफी फायदा हुआ है बिल्कुल। एक तरह से पहले महीने में 2 बार पेट से पानी निकालना पड़ता था, 5-5 लीटर पानी निकलता था। अच्छा। और ब्लड भी निकलता था पेट से, अब बिल्कुल सब नॉर्मल है। ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 6 महीने आपने दवाई आनी है। तो भी आपने रिपोर्ट्स टेस्ट कराए हैं दोबारा से? नहीं, अभी नहीं करवाए हैं। हर महीने हम आते हैं एक बार जी, और दवाई रिपीट होता है जी जी। तो एक दवाई और अल्सर का चलता है, एलोपैथिक। Okay. वो अपोलो हॉस्पिटल से। अच्छा। दोनों दवाई साथ साथ चल रही है। काफी इम्प्रूवमेंट है। अच्छा जी, चलिए मैम से भी बात कर लें थोड़ी सी। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुषमा सिन्हा। मैम आपको खुद को कैसा महसूस हो रहा है? आपको लग रहा है कि मैं पहले से बेहतर हूँ? क्या क्या चेंजेस आप अपने आप में महसूस कर रहे हैं? हाँ, 50% चेंज है। बेटर फील कर रहे हैं? ठीक है जी। तो अभी बेहतर फील कर रहे हैं आप पहले? हाँ, अभी बहुत अच्छी रिलैक्स मिल रही है। हेलो, कहाँ से हैं? अमृतसर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी शर्मा। ओके, तो यहाँ प्लैनेट आयुर्वेदा कैसे आना? एक्चुअली पापा को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कैंसर की। ओके, तो उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अच्छा जी, कब से है प्रॉब्लम? ये प्रीवियस मंथ से ही है। प्रीवियस मंथ से? हाँ जी। कहाँ पर कैंसर है उनका? और ब्लड कैंसर आया है। ओके ओके ओके। सो अभी आपकी फर्स्ट विजिट है प्लैनेट आयुर्वेदा? सेकंड विजिट है मैम। अब तो काफी बेटर है पापा, और पहले तो मतलब डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया था कि बस इन बेड पे है, बेड रेस्ट है, बहुत वीकनेस थी, डेली फीवर होता था, कीमो करवाओ, और इन्होंने काफी किया, अप्रिशिएट किया कि नहीं आप ठीक हो जाओगे। अब काफी बेटर है, पहले पापा का
सिर्फ ब्लड 5 ग्राम ही रह गया था, 5 ग्राम से बढ़ ही नहीं रहा था। अच्छा। अब एक मंथ में सिर्फ 24th को आए थे हम, लास्ट 24th को। अब पापा का 10.5 ग्राम हो गया है और थैंक यू मैम, और सेल्स भी काफी इंक्रीज हुए हैं। ओके। अब नॉर्मल डाइट भी ले रहे हैं पापा और नॉर्मल है। अच्छा, ये विद इन अ मंथ भी पूरा नहीं हुआ, 24 को मंथ होगा। ऐसा नहीं लगता कि कुछ मैजिक सा हो? हाँ, बहुत मैजिकल है बस। हाँ। जब भी यहाँ पर आए थे यहाँ पर, तो उससे पहले भी आपने कहीं ट्रीटमेंट शुरू किया था या जस्ट दिखाया था? जस्ट दिखाया था, ट्रीटमेंट यहीं से शुरू किया। अच्छा, आपने एलोपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करवाई थी? ओके। सो एक्चुअली ये हमने काफी पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया है कि जो डायरेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेद में बिलीव करके ये स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी। हाँ जी, एक्चुअली मम्मा पापा को भी काफी बिलीव है आयुर्वेदिक में, तो इसलिए काफी बेटर है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू एंड होप फॉर द बेस्ट, बहुत जल्दी बिल्कुल रिकवर हो। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संदीप सिंह। कहाँ से हैं संदीप जी? पलायन डिस्ट्रिक्ट मुक्सरी। अच्छा जी, यहाँ प्लैनेट आयुर्वेदा क्यों आना हो आपका? नाल आए हैं ब्रदर को। हाँ जी, ब्रदर ने ले गए हैं नाल में। अच्छा, क्या हुआ है सर को? उसको पेट की प्रॉब्लम है। कब से? अभी 5-6 महीने अभी। अच्छा, 5-6 महीनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं या? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अच्छा, आज यहाँ पहली बार आए। तो आपको पता कैसे चला प्लैनेट आयुर्वेदा के बारे में? हमारे गांव के जहाँ से लड़का ठीक हुआ था। अच्छा जी। अच्छा, क्या था उनको, क्या प्रॉब्लम थी? उनको मंजे पर वैसे उठा नहीं जाता था। अच्छा जी। तो अभी कैसे है वो? अभी ठीक है। ओके। हाँ, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप यहाँ पे? उम्मीद तो यही है ये भी ठीक हो जाएगा। जी। तो आपने जैसे बताया कि 4-5 महीनों से इनको प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है इनके लिए? अभी मेडिसिन ही ले सी बठिंडे से। कहाँ से सर? बठिंडे हॉस्पिटल से, अलग अलग से ली सी। अच्छा, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा उनसे? बिल्कुल नहीं लग रहा है। अच्छा, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पहले आपने ट्राई किए हैं या ये? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। हेलो सर। हेलो मैम। आपका नाम? गुरपिंदर मैम। कहाँ से हैं? मलोट से। ओके सर, किस पर्पस के लिए आप मैम? पेट की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की और एसिडिटी की। आपको प्रॉब्लम? हाँ जी मैम। अच्छा, कब से है ये प्रॉब्लम? मैम नियर अबाउट 1 ईयर हो गया। ओके। हाँ जी मैम। तो ट्रीटमेंट कब से चल रहा है आपका? मैम फर्स्ट टाइम यहाँ पर, फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ जी मैम। इससे पहले? मैम बठिंडा से मेडिसिन ले रहा था, अलग अलग हॉस्पिटल से, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। ओके। हाँ जी। क्या सिम्टम्स आ रहे थे आपको, कैसे पता चला कि इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है? मैम पहले ना एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो गया था, मुझे लग रहा कि उसकी वजह से है, लेकिन बाद में एच पी किट ली और फिर नॉर्मल आ गई रिपोर्ट, फिर भी ये प्रॉब्लम बनी रही, मतलब गैस एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स हो जाता। फिर मेरा मैम फ्रेंड था कोई, वो यहाँ से मेडिसिन ले रहा था अल्सरेटिव कोलाइटिस की, उसका भी काफी फर्क है मैम, उसने मुझे सजेस्ट किया था यहाँ पर, फिर मैम यहाँ पे विजिट किया। उन्हीं के थ्रू आप यहाँ पे? हाँ जी मैम। तो आयुर्वेद में बिलीव है आपको? यस मैम। बिल्कुल। हाँ जी। तो इससे पहले आपने जो 1 साल से आपका जैसे आपने बताया हाँ चल रहा है, तो वो सभी एलोपैथिक थे या आपने कभी आयुर्वेदिक? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन। ओके। हाँ जी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाय। क्या नाम है मैम? गुरविंदर। गुरविंदर जी। गुरविंदर जीरकपुर से। जीरकपुर से। किस पर्पज के लिए प्लैनेट आयुर्वेदा? एक्चुअली मेरे को ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को किसी मेरी फ्रेंड ने रेफर करा था, मेरे को हो गया मोर देन 1 ईयर और अच्छा, मतलब मुझे काफी रिलीफ है। अच्छा, 1 ईयर से आप यहाँ से मेडिसिन? हाँ, ले रही हैं। 1 ईयर से। और आपकी प्रॉब्लम कब से है मैम? प्रॉब्लम भी मुझे तभी पता चली थी, एक्चुअली मैंने सिर्फ 1.5 मंथ एलोपैथी ली थी। ओके। बट देन मेरे को किसी ने बताया कि एलोपैथी लेना इज नॉट गुड, तो देन मेरी फ्रेंड ने रेफर करा और तब से मैं यहीं से ले रही हूँ। ओके। तो पहले क्या सिम्टम्स आ रहे थे आपको? पेन्स। ओके। पेन्स की एपिसोड्स या कुछ पर्टिकुलर जॉइंट्स? नहीं नहीं, पर्टिकुलर जॉइंट्स लाइक मेरा नी लॉक हो जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड देन रिस्ट में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, एंड देन हमारी शिफ्टिंग भी चल रही थी। एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। तो हम लोग यहाँ ट्रांसफर केस था, तो शिफ्टिंग की वजह से मुझे लगा शायद मैं बहुत टायर्ड हूँ, इस वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो देन एक एपिसोड हुआ, फिर मुझे लगा नॉर्मल है, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ, एंड देन उसके बाद जब मैंने टेस्ट करवाए तो फिर आई कम टू नो कि आई हैव आर्थराइटिस, इट्स रूमेटाइटिस आर्थराइटिस, और फिर उसके बाद एलोपैथिक लिया, तो ठीक था, एलोपैथिक चल रहा था ओके, बट फिर वही था, एक डर था माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कि एलोपैथिक लॉन्ग लाइफ नहीं ले सकते, आई हैव अ स्मॉल डॉटर ऑल्सो, तो उसकी भी टेक केयर करनी है, तो इट्स डिफिकल्ट। तो फिर इसीलिए माई फ्रेंड हैज़ रिकमेंडेड दिस, और उसने भी यहीं से मेडिसिन लिए, शी वॉज जस्ट मेरी फ्रेंड की डॉटर ले रही थी, 21 ईयर्स ओल्ड ओनली, और उसको भी सेम प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस। हाँ।
तो उसको काफी फर्क था, तो फिर मैंने शुरू करा और आई एम आल्सो फीलिंग वेरी गुड। ओके, तो अभी क्या-क्या एग्जैक्टली क्या-क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए हैं इस वन ईयर में? पेन्स नहीं है मुझे अब, जैसे वो पहले पेन्स वाले जो एपिसोड्स आते थे वो नहीं है, और मतलब एक नॉर्मल जैसे पेन्स के साथ अब फील करो आप लाइफ कैसा फील होगा आपको, है ना, एवरी टाइम कंटिन्यूस थ्रू आउट द डे, और आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, लाइक स्टफनेस आ जाती है, तो उसमें यू कैन नॉट डू योर इवन हाउस होल्ड क्लॉस भी आप नहीं कर सकते हो, है ना, तो उससे बहुत रिलीफ मिला है मुझे, और अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, शी इज जस्ट 6 years old ओनली, तो उसके साथ तो एवरी टाइम आई हैव टू रन फॉर दिस क्लास दैट क्लास ये क्लास, और मेरी खुद की भी क्लासेस होती हैं, आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर किड्स, तो उसमें भी मेरे को बहुत मतलब अच्छा फील होता है, ऑब्वियसली व्हेन यू फील हेल्दी यू फील गुड, है ना, तो सेम है कि आई एम फीलिंग गुड हियर और दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग, और अभी भी मैं मेडिसिन यहीं से ही लेके जा रही हूँ, तो आई एम हैप्पी, दैट्स ग्रेट। डोजेज का कुछ डिफरेंस आया? लाइक बिल्कुल कम हुई थी मेरी, स्टार्टिंग में थी ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम हुई, और फिर उसके बाद बीच में कुछ मेरी खुद की प्रॉब्लम्स आ गई थी, लाइक थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था फिर से, तो इसमें लाइफस्टाइल इज इम्पोर्टेंट, वो चेंजेस आपको करने ही पड़ेंगे, डाइट इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो उसके बिना थोड़ा सा टफ है आयुर्वेदिक का रिजल्ट आना, तो मेरा बीच में थोड़ा सा हो गया था ऊपर नीचे, तो इसलिए फिर से इंक्रीज हुई है मेडिसिन, अदरवाइज डाउन हुई थी, बहुत डाउन हो गई थी। दैट्स ग्रेट, मैम ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप बहुत जल्दी बंद हो जाएगी आप। श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू। हेलो मैम। हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम किरण। कहाँ से आए हैं मैम आप? लोकल मोहाली। ओके मैम, किस पर्पस के लिए यहाँ पर आने हो? माय मॉम इन लॉ शी हैज सम स्किन इश्यूज। ओके, सिंस इट्स बीन 1.5 ईयर। Okay. Yeah. And is this your first visit? My first visit. Okay. So how you came to know about Planet Ayurveda? One of our friends, he just mentioned, because we had been trying the allopathy. Okay. But somehow she's not able to recover. Then see, you try everything. You try of homeopathy. Course. Then yes. if that doesn't work, then you try Ayurveda. So that is how. So we are just hoping that maybe this visit. Okay, so जब हुआ था मैम को स्किन इश्यूज, तो इनिशियली क्या सिम्टम्स या क्या चीज आपको ऑब्जर्व हुई थी? She used to just scratch little bit on the stomach. There was just one or two, you know, ऐसा scratch करके था. Okay. We thought कोई कपड़ा वगैरह सूट नहीं किया है. Maybe seasonal or something like that. But then it aggravated. अच्छा. Yeah. Okay. Then it came to the legs. Then her legs, they're all no blisters. And then she used to like scratch all the day. Yeah, I can see that even on hands and arms. It's a different kind of a problem now. So we took allopathy. उसके साथ थोड़ा सा she had relief. अच्छा. Then थोड़ा फिर ज़्यादा हो गया. Then she was put on steroid for 15-20 days. Okay. Because she's diabetic also. अच्छा. So doctor was not willing to start with the steroid, but that was the only option she had. Yeah. But with steroids, it really goes. Absolutely goes. अच्छा. But once the steroids, so it comes again. So this has been happening for last 1.5 years. Okay. Again. So allopathic medicines चल रही हैं. Steroids are going on. No. Steroid तो बीच में ऑफ एंड ऑन जस्ट फॉर 10-15 डेज, देन दे स्टॉप, देन शी जस्ट पुट ऑन द एंटी एलर्जिक्स. ओके, दैट्स ऑल. अच्छा, और सम ऑइंटमेंट्स कुछ अदर देन? इट्स जस्ट दैट शी स्क्रैचेस एंड ऐसे को सारा लेग्स, आर्म्स, स्टमक, बैक, सब, इट्स ऑल फुल. शी इज टोटली रेस्टलेस बिकॉज़ ऑफ द ईचिंग एंड शी हैज दैट प्रिकली फीलिंग आल्सो समटाइम्स. Yeah. Very, very difficult to, you know, live with this whole day. Yeah. That is why we're just hoping that this visit is fruitful. Definitely. She gets good relief. Yes. Yeah. We have actually a lot of patients which recovered from, you know, these type of skin conditions. Okay. So just trust the doctor and he'll give you a diet also. Okay. So you have to follow that diet along with the medications and definitely you'll see the results. So do you have any belief in Ayurveda? I mean, this is your first time you have visited at some Ayurvedic place? No, or? Like bachpan se, like we've been kabhi Ayurveda kar liya, kabhi keep on trying all the options. Okay. If one thing doesn't work, then you switch to the other. Yes, we have to keep on trying. Yeah. So with that hope only we've come.
Just keep this hope on and all the very best. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hello ma'am. कैसे हैं आप? ठीक हूँ. कहाँ से हैं? दिल्ली पटेल नगर से. दिल्ली से. ओके. क्या नाम है आपका? करुणा गोस्वामी. तो दिल्ली से प्लैनेट आयुर्वेदा कैसे? एक्चुअली मैंने 2016 में मेरे को एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी यूट्रस में. ओके. तो मैंने कई जगह दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपको यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा. फिर मैंने इनका नेट पे पढ़ा था कि मेडिसिन वगैरह यूट्रस की एंड्रोमेट्रोसिस की इनके पास है इलाज जी. फिर मैं नेट के थ्रू बाद में इनसे कांटेक्ट किया और फिर मैं यहाँ आई थी 2016 में. ओके. फिर मैंने मेडिसिन खाई, 3 महीने बाद मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो एंड्रोमेट्रोसिस मेरा बहुत कम आया था. ओके. लाइन तो हर एक लेडीज में होती है एंड्रोमेट्रोसिस की, पर मेरी 15 पॉइंट समथिंग थी. लेकिन उसके बाद उनकी दवाई खाने के बाद मेरी 2 पॉइंट समथिंग कुछ रह गई थी. 3 मंथ में फर्क पड़ गया था जी. फिर उसके बाद मुझे इन्होंने कुछ डाइट वाइट बताए थे वो फॉलो किए, कुछ एक्सरसाइज जी, और फिर थोड़ा वेट भी मैनेज करने को बोला था. और उसके बाद अब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर से हुई 8 साल बाद. ओके. सेम प्रॉब्लम? नहीं, उसके साथ फाइब्रॉइड्स भी हो गए हैं. अच्छा. तो मेरा फाइब्रॉइड्स थोड़ा ज्यादा बड़ा है. ओके. तो वही मैं फिर डॉक्टर के पास गई थी, लेडी गायनेकोलॉजिस्ट के पास. तो वो कह रही है कि अभी मैं आपको मेडिसिन दूंगी 3 मंथ की, वो भी उसके हॉर्मोन्स की. ओके. फिर 3 मंथ बाद फिर चेक करेंगे हम, वो भी पक्का नहीं पता, नहीं तो फिर यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा. फिर वो हॉर्मोन्स की मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होते हैं जी. बिल्कुल. मैं इसलिए दोबारा आई सर से बात करने. अच्छा, अभी आपने वो मेडिसिन शुरू नहीं किया है? नहीं, मैं 8 साल के बाद आई हूँ. नहीं, मेडिसिन ही लूंगी. जो एलोपैथी मेडिसिन आपको मैम ने हॉर्मोनल की रिकमेंड की? नहीं नहीं, अभी नहीं शुरू की, नहीं करी. तो यहाँ क्योंकि आपका पहले का एक्सपीरियंस था तो, और साथ में थोड़ा बहुत एंड्रोमेट्रोसिस की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है. ओके. तो फिर मैंने सोचा कि एक बार सबको दिखाना जरूरी है. बिल्कुल, बिल्कुल. क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी हॉर्मोन्स की दवाई बोली थी पर मैंने उनकी ली नहीं थी जी. और आज इसके 8 साल बाद आई हूँ दोबारा, तो फिर से यही प्रॉब्लम है. चलिए, पहले ठीक हो गई थी तो डेफिनेटली अब भी ठीक हो जाएगी. हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव. और आपका बिलीव आयुर्वेदा पे है तभी आप यहाँ पर आ गए सीधा. तो पहले जब आप आए थे तब आपको कैसे पता था कि प्लैनेट आयुर्वेदा? क्योंकि दिल्ली से मैंने सर्च किया था ना नेट पे. ओके ओके. मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया. मैंने इनका यूट्यूब में देखा कि एंड्रोमेट्रोसिस के इनके पास है इलाज और काफी बेनिफिट है लोगों को जी. तो फिर मैंने कहा यूट्रस निकलवाना तो है ही एक लास्ट ऑप्शन. बिल्कुल. तो क्यों ना पहले मैं 3 मंथ की इनकी दवाई खा के देखूं, इनकी डाइट फॉलो करूं, आयुर्वेदा का थोड़ा सा करके देखूं. तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे जी. लेकिन 3 मंथ बाद फर्क पड़ गया था तो मुझे फिर अपना यूट्रस नहीं रिमूव करना पड़ा. तो पहले तो हमें देखना चाहिए ना डॉक्टरों के हिसाब से थोड़ी कि ऑर्गन्स बोले वो ये ऑर्गन्स निकाल दो वो ऑर्गन्स निकाल दो. हमें पहले वेट करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए क्योंकि हर ऑर्गन्स की ना इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में. अब कई लोग कहते हैं यूट्रस की कोई जैसे एज हो जाए तो कोई इसका काम नहीं है, पर सबसे मेन बात है यूट्रस का काम होता हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना, लेडीज के मेनली हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना. तो फिर मैंने इसलिए यूट्रस अभी सोचा कि ना निकालूं, पहले सर से बात कर लूं जी. बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है और आपकी नॉलेज है ना जो आपको हेल्प कर रही है वो अपने सही डिसीजन लेने में. ऑल द वेरी बेस्ट और ऐसे पॉजिटिव रहिए. जैसे पहले अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अब मिलेंगे. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. प्लेनेट आयुर्वेदा एक ऐसा प्लेनेट जहाँ मिलता है हेल्थ का बेनिफिट. प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन सिर्फ एक. प्लेनेट आयुर्वेदा नॉर्थ इंडिया का बेस्ट क्लिनिक जहाँ MD आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की टीम आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है. अभी कंसल्ट करें planetayurveda.com.